चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि चीप फ्लाइट कैसे बुक करते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कई बार हम एयरलाइन की अपनी वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। कई बार हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि जैसे मेक माई ट्रिप या ईट माई ट्रिप जैसे ट्रेवल वेबसाइट से सर्च करके बुक कर लें, या कई बार ये गोआइबिबो वगैरह वाले जो है कि क्या कहते हैं, हमें कई तरह के ऑफर्स देते रहते हैं। हो सकता है कि आप जिस तरह से बुक करें वो इससे भी चीप हो, लेकिन मैंने एक 10-15 साल ट्रैवल करने के बाद मैंने एक अच्छा खासा तरीका इजाद किया है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले हम एक वेबसाइट है ईज माई ट्रिप, उस पे चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने दिल्ली से मालदीव जाने की एक फ़्लाइट चेक करी, जैसे कि मैंने इसमें एक ट्रैवलर के लिए इकोनॉमिक क्लास में 17 अप्रैल 2022 की डेट डाली हुई है। ठीक है, सर्च करते हैं। इन्होंने मुझे दिखाया इतनी सारी फ़्लाइटें, लेकिन आप सब जानते होंगे और हम भी जानते हैं कि एक स्टॉप और 17 घंटे की फ़्लाइट हम कभी भी प्रिफर नहीं कर पाएंगे, तो हम नॉन स्टॉप फ़्लाइट्स की बात करते हैं। तो मैंने एक फ़्लाइट सर्च की है जो कि नई दिल्ली से मालदीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा रही है। ये जो है कि गोएयर की फ़्लाइट है जिसका नंबर है GA33। ये फ़्लाइट हमें ईज माई ट्रिप पे आ रही है 10,503 रुपए की। इन्होंने इसमें अपना प्रोमो कोड लगा रखा है जो कि EMTNCF है, जो कि आप जानते हैं कि इससे कन्वीनियंस फ्री इनका जीरो हो जाता है। तो 10,503 रुपए की है ये प्रोमो कोड लगाने के बाद ईज माई ट्रिप का रेट है। सेम फ्लाइट को हम गो एयर की ऐप पे भी देख लेते हैं। अगर ये जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे तो एक फ़्लाइट हम यहाँ पे सर्च करते हैं, वही 17 अप्रैल को दिल्ली से मालदीव्स के लिए MALE, और दिल्ली से हम चलेंगे। कब चलेंगे? तो 17 अप्रैल को चलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनबाउंड फ़्लाइट को 17 अप्रैल के लिए हम चेक करते हैं और हमारा वन वे टिकट ही रहेगा। अब इनमें हम देखते हैं क्या आ रहा है। हमें वही चीज़ें चाहिए जो कि हमने उस वाले में देखा था। तो ये हमारे पास है गो फर्स्ट में 10,503 रुपए का, ये भी आ रहा है। इसके बाद जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इनमें जो है कि क्या कहते हैं, जैसे जब मैं इसको कंफर्म करके आगे ये सेलेक्ट वेलेक्ट कर लूँगा तो इसमें ये कुछ कन्वीनियंस फ़ीस लगा देंगे, तो ये 10,500 से भी ज़्यादा का हो जाएगा। इससे चीपर इस वेबसाइट पे ये नहीं है। अब मेरा सस्ती फ़्लाइट वाला फार्मूला, मैं क्या करता हूँ कि मैं स्काई स्कैनर नाम का एक ऐप है उसको यूज़ करता हूँ, उसमें फ़्लाइट्स में जाता हूँ। और 17 अप्रैल को ही मैंने नई दिल्ली से विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट जो है करी, और मुझे उसी टाइम पे ऑलमोस्ट मैंने एक मिनट पहले सर्च करा होगा गो एयर की सेम फ़्लाइट जो कि 10 बजे चलेगी और दिन में 2 बजे लगभग पहुंचेगी विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंने शायद दो लोगों के लिए यहाँ पे कर दिया है, ट्रैवलर को मेरे को एक करना पड़ेगा। तो ये एक ट्रैवलर के लिए 10,103 रुपए की ये दिखा रही है, 10,103 रुपए की सेम फ़्लाइट है 17 अप्रैल की, जो कि 10,103 या 4 रुपए की आ रही है। स्काई स्कैनर ने किया है कि कई सारी वेबसाइट्स का उन्होंने मुझे दे दिया, जैसे कि ब्रावो फ्लाइट पे ये आपको 10,138 रुपए की पड़ेगी, अकबर ट्रेवल्स पे 10,352 रुपए की पड़ेगी, ईज माई ट्रिप पे ये जो है कि क्या कहते हैं 10,353 रुपए की, वो भी 100 रुपए सस्ती पड़ रही है उस वेबसाइट पे जिस पे कि अभी हमने चेक किया था और उस पे 10,500 समथिंग का दिखा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, इसके थ्रू अगर मैं स्काई स्कैनर के थ्रू उसी वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो 10,353 रुपए का आ रहा है, और इसमें स्काई स्कैनर का अपना कोड खुद ब खुद लग चुका है जिससे कि मेरा ज़्यादा ऑफ हो रहा है EMTSKY G8। अगर EMTNCF मैं करता हूँ तो 10,500 रुपए का पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ये स्काई स्कैनर का ऑटोमेटिक कोड जो है वो लगा के इसी फ्लाइट को बुक करता हूँ तो 10,353 रुपए का पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगा, और इसके बाद इस पे कोई कन्वीनियंस फीस नहीं लगेगा, कोई और चार्ज नहीं लगेंगे। मैंने यही सेम फ़्लाइट बुक की है, मतलब इसी तरह से मैंने फ़्लाइट्स बुक की हैं, और ये जो है कि क्या कहते हैं आपको काफ़ी चीप रेट पे ये जो है कि स्काई स्कैनर से आप एक चीप फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पे और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।